अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरे पास एक और सलूशन सुमन, वो अंगूठी जो मैंने तुम्हारे पास रखवाई थी, क्या वो प्लीज तुम ले आओगी? बहुत इंपॉर्टेंट अंगूठी है, आज इसका सही यूज होगा। तुम हो ही रचे, सही कहती है मनुमान भी, अब शक नहीं हो तुम। पहले मैं इन बातों पे बिलीव नहीं करती, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी एंगेजमेंट टूट गई, पर अब मुझे बिलीव होने लगा है कि ये काला जादू, काला साया, ये सब कुछ सच होता है। What's your problem? तुम अंशुमन की जिंदगी में तामझाम क्यों करती रहती हो? तुम खुद विडो हो गई हो, तो किसी और की जिंदगी को सेटल नहीं होने दोगी क्या? प्लीज प्लीज चली जाओ यहाँ से, हम सबको सुकून से जीने दो। प्लीज ऐसे मत बोलो, प्लीज। कैसी सोच है तुम्हारी, निकाल दो अपने दिमाग से ये सब कुछ। तुम बिल्कुल मनहूस नहीं हो, ओके? सुबह आंटी देखी ना ये सुमन को कैसी बातें कर रही है, कह रही है कि ये मनहूस है। पहली रिंग जल गई और दूसरी रिंग जो इसने दी थी वो मुझे फिट नहीं बैठी। अब कोई बात नहीं ना, जो काम आज नहीं हुआ वो दो दिन के बाद हो जाएगा, दो दिन के बाद एंगेजमेंट हो जाएगी। तुम कब से मनहूस वाली बातें करने लगी? हमारी सुमन तो ऐसी थी ही नहीं, हमारी सुमन तो बिगड़े काम बनाने वाली है। नंदिनी आरती के लिए कितने अच्छे काम किए तुमने, और आज जब ऐसी बातें कर रही हो। बेटा ये समय का फेर है, कभी कभी समय सही नहीं होता, जैसे अच्छा समय नहीं रहता ऐसे बुरा भी हमेशा नहीं रहता, तो ऐसी बातें नहीं करना और ना ही सोचना। आते हैं हम। थैंक यू आंटी। बिगड़े काम बनाती हो तुम, तो मेरा काम क्यों बिगाड़ रही हो यार? क्या चाहती हो तुम? एक मिनट, तुम्हारा और अंशुमन का कहीं सच में चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है ना? ये क्या बोल रही हैं आप? ये बोलने से पहले एक बार तो सोच लिया होता आपने। आपके लिए आसान होगा किसी नए रिश्ते में जाना, लेकिन हम तो नंदन की रिश्ते से आगे नहीं बढ़ पा रहे। पता है नंदन हमेशा कहा करता था, एक भी मेरे भगवान है, और हम नंदन की पत्नी है। जो स्थान अंशुमन जी का नंदन के जीवन में था, वही स्थान अंशुमन जी का हमारे जीवन में भी। आपके ऐसा सोचने से और ऐसा बोलने से पता है क्या हुआ? आपने हमारे अस्तित्व को झंझोर कर रख दिया, और जो हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़े करे उससे हम आगे क्या ही बात करें। कहीं अंशुमन तक पहुंच गई तो मेरा बना बनाया खेल ना बिगड़ जाए। I'm really sorry. तुम तो एक लड़की हो, मेरी सिचुएशन समझ सकती हो कि मुझ पर क्या बीत रही है। प्लीज I'm really sorry. चुमन सिंह,
तुम्हारा तो इस घर से रिश्ता बन चुका है और वो कभी टूट नहीं सकता। मेरा तो बनने दो ना। दो दिन के अंदर अंदर तुम चली जाओगी तो सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और अगर तुम अंशुमन की सच में फिक्र करती हो तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। सी, मैं नहीं चाहती ना कि हम दोनों का एक दूसरे के लिए रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू हो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। किस चली जाओ यहां से। साया ही मनहूस है इस लड़की का तो इससे किसी शुभ कार्य का उम्मीद कैसे कर सकता है कोई। अंगूठी जल गई है या सुमन ने जला दी है। बहुत इंपॉर्टेंट अंगूठी, आज इसका सही यूज होगा। देखिए कैसे काली जादू करनी है। अंगूठी अपने आप उसके पैरों के पास चली गई। क्या सचमुच में हम इस घर और परिवार के बीच में आ रहे हैं? क्या हमारी वजह से अंशुमन जी के कदम आगे बढ़ने से रुक रहे हैं? जिस रिंग की वजह से सुमन का इतना अपमान हुआ हो उसे मैं किसी और को कैसे पहना सकता हूं? अंशुमन जी, अंशुमन जी ये क्या किया आपने? ऐसे कोई करता है क्या? हो क्या गया आपको? ये ऐसे नहीं मानेगी। इसको राइट वे पर लाने के लिए रॉन्ग वे लेना ही पड़ेगा। तानिया जी ने बताया था हमें। अंशुमन जी अब तो सब कुछ बदल गया है। आप वहीं क्यों रुके हुए हैं? देखिए हम भी जिंदगी में कितना आगे बढ़ गए हैं। आपने हमसे कहा था ना जिंदगी बढ़ने का नाम है। हमने नए रास्ते पे कदम बढ़ा दिया है। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने जा रही। आगे बढ़ने से पहले ये देखें कि कदम सही दिशा में उठ भी रहे हैं या नहीं। अंशुमन जी, जिंदगी में आगे बढ़ने की समझ हमसे ज्यादा आपको है। आप भी नए रास्ते में अपना एक कदम बढ़ाइए। सबकी निगाह आप पर है। हम चलते हैं।